क्लास से क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं, जब खुद करते हैं तो नहीं। ये कैसी बात करता है। ट्राई करो, क्योंकि फिर संडे को टेस्ट है भाई आपका, और इंडिकेशन ही है, और पहली 6 एक्सरसाइज ही टारगेट की है। ठीक, सर बस फर्स्ट सिक्स से एक्सरसाइज अब मैंने तुम्हारे टैलेंट को देख लिया है ना, पहचान लिया है, इसीलिए पहली 6 एक्सरसाइज दी है मैंने। अब देखते हैं आप क्या करते हो, मगर इस बार मार्क्स नहीं कटने चाहिए, नहीं तो पिटाई करूंगा। अरे यार, पिटाई करूंगा कहाँ से, तुम लोग मतलब फायदा तो यही उठा रहे हो ना मेरे साथ, नहीं तो अब तक लाइन पे आ चुके होते तुम लोग। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। ग्रुप में मैसेज डाल दो भाई। बेटा इसको हम क्या लिखते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिखते हैं, चलेगा? जी सर। ठीक, जी सर। इसे 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दूं, चलेगा? -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? एक बार जी प्लस, सर। एक बार माइनस, अरे हाँ या ना, यस जी सर। सर। ऊपर वाला फॉर्मूला खोलोगे, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो क्या होगा, एस की 4x कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इससे कैंसिल, अरे हाँ या ना, यस सर। यस। अब मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ भी दोबारा से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये इससे कट जाएगा, यस सर। ये 1 हो गया वाला पार्ट। वन हुआ यस सर। तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है? माइनस कॉस 2x डीएक्स, इसका इंडिकेशन क्या होगा, साइन 2x ओवर 2 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। यस मैं परेशान हो गया, क्या कर दिया सर। सबका, ये कॉस 2x का फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? सर। कॉस 2x बस, तो फिर अगला डाउट बताओ, कौन सा डाउट था? 14, सर 11। 11 भी है। मैं ना यस सर। पिटाई सर पिटाई इलेवन। करूंगा, तगड़ी वाली तगड़ी वाली। ये क्वेश्चंस करवाए नहीं है? सर मेरा हो गया। आपका हो गया? अभी ना क्या बात है यस भाई, सर। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा है कि डाउट आ गया। ये क्वेश्चन डाउट कैसे आ गया? सर इसको पहले सेक में चेंज करना है। सर कैसे करना है? अरे सेक में चेंज करना है कोर्स को। हाँ, करा दे बेइज्जती, 6 क्वेश्चन थे, मैंने स्पेशल केस बताया था, दोनों कोस हो या दोनों साइन हो, किससे डिवाइड करना होता है, साइन से करना होता है। प्लस है तो क्या करोगे, ए माइनस बी, याद आया नहीं आया? फिर यस सर। इसका परफेक्ट बनाओ। अरे यार, ये आएगा पेपर में, ये क्वेश्चन आएगा अभी पेपर में, ये भी फिक्स है, याद आया? यस सर। छोड़ दूँ, यस सर। दबाव में तो नहीं है?
नो सर। बेटा मैं कितना भी धमकाऊं दबाव में नहीं आना, ठीक है? क्योंकि मैं टेस्ट में नहीं छोड़ूंगा। जब मैं दबाव में तुम्हें छोड़ने वाला हूं, तुम क्यों दबाव में आओगे? ओके यस चलो अगला बोलो क्वेश्चन। बोल रहा 14, यस सर 14। मेरे बच्चे मैंने एक रूल बताया था आपको याद हो, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट करने को कहा था, यस सर। तो टी प्लस वन और टी प्लस फोर। हाँ या ना, यस याद सर। आया? जब सिमिलर टाइप के केस हो स्क्वायर में, फिर ए अपॉन टी प्लस वन और बी अपॉन टी प्लस फोर। यहां से ए बी की वैल्यू निकल आएगी, पर इंटीग्रेशन करने से पहले वापस एक्स की फॉर्म में आना पड़ेगा। बताया था नहीं बताया था? करने को तो ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ऐसे भी होता है ये क्वेश्चन। अरे होता है, नहीं होता यस सर। यस सर। तो उससे लंबा खींच जाता है। मैंने बताया था ना कि एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा जीरो बनता है, यानी ए और सी की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। अरे याद आया है? नहीं आया? नहीं आया तो मैं कराऊंगा फिर, और आ यस गया तो यस रुक जाऊंगा। सर। और प्रेशर में आके नहीं बोलना कि हाँ सर मतलब वो करा गया, मैं पिटाई करूंगा। क्या से पिटाई भी कैसे करूंगा, यही तो बार बार वापस जाती है। तुम फायदा इसी का उठा रहे हो, मुझे लग रहा है। पिटाई हो नहीं रही है, मौज मौज में चल रहा है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन बताओ। सर एक 16। मिनट, ये कुछ और ही बोल रहा था अभी ना। 16 बोलता? नो सर 17। सर मैं 16 बोल। मैंग 16 बोला था। मैंग जी ये जो 3 है इधर आकर पावर बन जाएगी, ई लॉग एक्स की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, एक्स की 3 हो गया। मैंग का नेट गया। मैंग जी एक्स यस थ्री सर। वो सर। नेटवर्क चला गया। हाँ कोई बात, एक्स की 3 ओके। यस सर। अगर आप बुरा ना मानो तो ये माइनस की पावर है, तो मैं से एक्स की 4 प्लस 1 लिख दूं चलेगा? आपको यस सर। नहीं लगता कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 को टी पुट करेंगे तो ऊपर डेटिव यस सर। है? बस यही बात है और कोई बात ही नहीं है। करवाऊं? नो सर। हो जाएगा। मैं फिर से कह दूं, दबाव में आके नहीं बोलना, नहीं आ रहा तो सीधा करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं टेस्ट में दबाव में नहीं आऊंगा। टेस्ट तो मैं अपने हिसाब से दूंगा भाई। आगे बात सुनने बड़े हैं। यस सर। चलिए जी, इसको टी पुट किया, ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, खत्म क्वेश्चन। भैया फंक्शन लिखा है, डेरिवेटिव तो लिखा है, दोनों तो लिखे हुए हैं, कहे का परेशान हो रहे थे आप लोग? यहाँ कुछ अजीब गरीब तो दिया नहीं था, कुछ दिया हुआ है, नो सर। फिर क्यों परेशान हो गए? किस बात के लिए परेशान हो, इसमें है क्या ऐसा? n+1/2, सॉरी n+1/n+1, ये फॉर्म है उसका, डेटिव दे रखा है। खत्म खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके बाद शुरू होते हैं भाई करवाने वाले, सर एक फोर्थ वाला और बता। एकदम बताएंगे। आपने कहा और हमने बताया, वैसे बताने वाला तो क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। कोई नहीं सर, एक बार और करवा देंगे। सर भूल गया। देखो ये रूट है, और मैंने कहा था रूट वाला फॉर्म जब भी सेम होता है, एक्स की 4 हाईएस्ट पावर से ही डिवाइड करते हैं, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी पावर होगी? 3 होगी। हाँ या ना?
सर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? अरे बेटा एक्स की 4 ही होती है सर, पर पावर इसकी 3/4 है, यस ये कट कर क्या होगा, एक्स सर, थ्री होगा यस सर, पक्का? यस सर, अब मेरे प्यारे बच्चे ये कट जाएगा, यस सर, ये 1/(x)^5, 1+(1)(x)^4 को टी पुट कर ले, काम खत्म। यानी 1+(1)(x)^4 को टी पुट करो, डिफरेंशिएशन आएगा -4/(x)^5 dx/dt। कमी किसकी है? -4 की है, लगा दो, कोई नहीं देख रहा, dt। आगे कर सकते हो भाई पाठ। यस सर। यस सर मैं ऐसे ही किया था, लेकिन मेरे को लगा आपने किसी और तरीके। अच्छा, नहीं है इसका यही तरीका है बेटा, स्पेशली ऊपर ले जाओ। बड़े आगे, यस सर, पहले ना मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। काम क्या करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं करवाने हैं ना वो क्वेश्चन पहले तुम्हें दिखा देता हूँ होमवर्क में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास या अगली से अगली क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब चैप्टर अलग खत्म हो जाए। और मेरा टारगेट है कि 20 तारीख तक कम से कम ये चैप्टर और प्लस एक कोई चैप्टर सिंपल वाला खत्म करवा दे। एकदम परेशान नहीं होना, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए आपका सिलेबस खींच रहा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ठीक है कि सिलेबस में टाइम लगेगा, मैं भगा के नहीं पढ़ा पाऊंगा कोई टॉपिक, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आई बात सुनने, सिलेबस यस सर, टाइमली खत्म होगा, रिवीजन के टाइम मिलेगा ठीक है। आ जाओ, कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो मैं वो क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ठीक है, 18, 19 भी मैं करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन खुद कर सकते हो। इस रूट एक्स की जगह क्या पुट करोगे? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा, इसका भी फॉर्मूला मालूम है और इसका भी फॉर्मूला मालूम है। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस सर, यस सर, पक्का? यस यस अब देखो ध्यान से इसको भी देखो, ये किया हुआ क्वेश्चन है क्या छठी एक्सरसाइज में? नहीं याद आया, इसको ब्रेक कर लेते हैं। टू नीचे वाले को अलग करो, 1+cos 2x को क्या लिखा जाता है? 2cos²x, हाँ या ना? यस यस ex अलग कर रहा हूं, ऊपर वाले sin 2x को 2sin(x)cos(x) लिख दूं चलेगा? नीचे 2cos²x, 2 से 2 कटा, क्वेश्चन सेम है, वहां एंगल हाफ है बस इतना ही है। ये cos से cos कट गया, ये 10 हो गया, ये 10x है e की x है, और वो sec²x है e की x है। याद आया 10 का डेरिवेटिव sec²? इसको सॉल्व करोगे अपने आप कट जाएगा। यस सर, बाई पार्ट रूल, मयंक का नेटवर्क जाम हो जा रहा है। मयंक मेरी वॉइस आ गई या नहीं आई अभी? मयंक परेशान है? परेशान है भाई, इसका नेट गया। मयंक जी, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यस सर, सर थोड़ा सा बच गया वो जब। चलो दोबारा बता देते हैं भाई, ये साइन और कॉस 10 बन गए, ये sec² बन गया, यस एक ही एक्स स्क्वायर भी ऐसे भी है, इसे टी पुट करो, बड़े टी पड़ा हुआ है। सेम कॉपी क्वेश्चन है, कॉपी क्वेश्चन है छठी एक्सरसाइज के अंदर। कहोगे सर बोलते तो बहुत, दिखा दो, दिखा भी देता नहीं हूँ भाई, सर, मिल क्वेश्चन गया। नंबर 18 होगा आई थिंक, यही है, यस सर, भाई है। मिल गया या दिखाऊं? सर मिल गया। ये रहा, ओहो ये तो सेम हुई है ना।
बस वहां खेल गया वो, एंगल डबल करके खोल खेल गया और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप सॉल्व करते क्वेश्चन सॉल्व करते। चले बढ़े आगे। यस सर, यस सर, नाराज तो नहीं हो रहे ना, मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ नो सर, तुम्हें नो सर, है। करे क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे हो, बस होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हो। मैं कह रहा है अगले क्वेश्चन पे बढ़े। मयंक जी, क्या ऐसा लगता है क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप? यस यस सर, अभिनव कह रहा है बस दिए जाओ दिए जाओ, करना तो मैं ना, ऐसी मैडम देती है मैं। सर सर पार्शियल फ्रैक्शन से होगा एग्जैक्टली, पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस टू। ना? यस सर, हो जाएगा। यस सर, अब मैं फिर से देखो, यहां पर ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। मैं इस एक्स की जगह कॉस 2 थीटा या थीटा पुट कर दूंगा, काम हो जाएगा, छोड़ दो। यस सर, ट्राई कर लेंगे। ट्राई करेंगे, वेरी गुड, ट्राई ही खुद करना, यहां तक ठीक है। मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, ये 2 इधर आके पावर बन जाएगा। यस सर, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला, मतलब एम बाई एन ओवर एक्स की 4। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सिर्फ 3 लिख दूं और एक्स यहां लिख दूं, चलेगा? यस सर, इस वाले को इसके साथ अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, एक्स की 3, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना, यस सर, एक्स की क्यों? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको टी पुट करो, इस वाले पार्ट को टी ये पुट ट्वेंटी करोगे। फोर वाला रिपीट कर देंगे कौन सा, सर, ये 24 क्या करूं बताओ? सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, इसे छूट गया। छूट गया, कोई बात नहीं। पहले देखो, ये 2 इधर आके पावर बन गई, अरे ये 2 इधर आके पावर बनेगी, इसे लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर कह यस सकता है सर, स्क्रीन फ्रीज भाई? ऐसा है ना, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ खुश, और बता, दोबारा से करवा देता हूँ, क्यों परेशान हो सर, मैं 1 मिनट में रिजॉइन करूँ। करो। मयंक, कोई दिक्कत? हाँ मयंक, यस सर, हो गया।
अभी ओके है? मैं यस सर, सर दोबारा से ही समझा दूं या कराऊं? समझा दो। ये पावर इस पे गई तो लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, यस सर, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्म लगेगा, तो क्या मैं इसको लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर लिखूं चलेगा? यस सर, आप बुरा ना माने तो मैं इसको वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिखूं चलेगा? भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर था तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा? यस सर, होगा। पावर थ्री है, फोर है, तो मैं इसको एक्स थ्री और एक्स लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत? नो सर, अब ये पावर क्या है? इस वाले पार्ट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो एक्स मैंने बाहर निकाला था अंदर रूट में ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, ये क्या बन जाएगा? वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यस, ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ। ये वाला लेते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये और ये दोनों सेम है, यस सर, इसको टी पुट कर लो, माइनस टू अपॉन एक्स की थ्री डीएक्स डीटी, कमी किसकी है? माइनस टू की, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये डीटी बन जाएगा, पलार यस सर, रूट टी लॉग टी बाई पार्ट रूल, काम खत्म। हाँ या ना? यस, मयंक दबाव में आके लग रहा है, नो सर, हो गया। आ गया। मयंक यस जी, और क्वेश्चन देखिए, जो तुमसे हो सकते हैं क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगली क्लास में सोच रहा हूँ कि इसमें से जो मुझे करवाने वाले क्वेश्चन है वो मैं करा के खत्म करा दूंगा, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में मयंक, देखो ध्यान से, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं बन गया दोबारा से, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से नहीं बन गया। यस सर, यस सर, भाई लिमिट का क्या करना है, वो तो वैसे ही खत्म करके लिमिट लगा देना, लेट करना विदाउट लिमिट और सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने का लिमिट लगा देना। यस सर, यस ठीक है, यस सर, सेम रूम में पढ़ते हो क्या? क्या सर? सब लोग एक ही रूम में बैठे बैठते हो क्या पढ़ते समय? बोल रहे हैं जी नहीं, कंसेंट्रेशन नहीं खराब होगा? ध्यान दिया सर, करो। मेरे को नहीं सर, वो माइक से बाहर से आवाज आ जाती है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यस आपके लिए सर, बोलती हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, यहां तक क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, 25 से लेकर 32 33 तक, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर मिलना मिलना है, 25 से 32 में से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, इसलिए बहुत ध्यान से करना। यहां देखो साइन कोस है ना, अगर आप बुरा ना माने तो मैं साइन स्क्वायर को टी पुट करूं, जिससे कि 2 sin x cos x dx dt आ जाए। हाँ या ना? यस तो सर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यस सर, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, इस कॉस की पावर 4 को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, बस यस काम सर, खत्म, इसे परफेक्ट बना के सॉल्व कर लेना, बिना लिमिट के फंक्शन मानना क्वेश्चन को, ठीक? यस यस, सर, 27 मैं करवाऊंगा, या ट्राई कर सकते हो कर लेना, 28 भी मैं कराऊंगा, 30 भी मैं कराऊंगा, 27 ट्राई कर लेना तुम, ठीक? 31 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं खुद कराऊंगा आराम से। sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, यस सर, यस सर, अब साइन को अगर टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस है, यस सर, तो ये यस टू सर, टी टेन इनवर्स टी, अब लग सकता है भाई पार्ट, यस सर, गुड। यस सर, क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक
अब ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन ना सेम कॉपी क्वेश्चन है 11th एक्सरसाइज का, बस इसने बेवकूफ कैसे बनाया बताऊं आपको। एक्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस एक्स। एक्स साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ये सेम कॉपी क्वेश्चन करा हुआ है कि नहीं कर रखा? अरे हाँ या ना। यस सर किया। एलसीएम कॉस कॉस खत्म हो गया, कर लोगे? 33 यस सर कर रखा है आप लोगों ने। यस सर यस सर मेरे प्यारे बच्चों 34, पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, कराने की जरूरत है, बताओ। सर हो यस सर हो जाएगा। जाएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हें करना है। एक्स सी की एक्स का इंटीग्रेशन, आई होप मुझे बताने की सर जरूरत नहीं है। सर ये इक्वल टू में प्रूफ करना है ना सिर्फ। हाँ बाई पार्ट टू ले यार, एक्स सी की एक्स माइनस सी एक्स, सेम इंटीग्रेशन आएगा 1 0। यस हाँ वन डालो, 0 हो गया, इसमें 0 डालोगे तो 0 e की पावर कर लोगे, 1 हो जाएगा यस जवाब, सर यस सर छोड़ दे तुम्हारे पास से जाओ। अगला, सर ई की पावर 0 1 होता है। e की पावर 0 1 होता है। चलो आगे बढ़े, ये सिलेबस में नहीं क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो ओड है फंक्शन, लिमिट सेम है ना और नेगेटिव है, ओड है तो सीधा 0 आएगा आंसर। अरे फॉर्मूला याद आया, लिमिट माइनस ए से यस एफ एक्स सर हो, लिमिट सेम ऊपर नीचे और फंक्शन ओड हो तो सीधा 0 होता है। यस सर 3 एक्स की पावर सर 3 है, फंक्शन की ओड हो मतलब। ओड का मतलब जैसे मान लो एफ एक्स है, साइन एक्स है, इसमें आप -1 डाल रहे हो, -x डाल रहे हो, तो ये माइनस का साइन एक्स आ जाएगा ना, इसे यस सर ऑड बोलते हैं। पर अगर यहीं पे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता और आप माइनस डालते तो कॉस एक्स ही मिलता ना, तो इसको इवन बोलते यस सर हैं, यानी फंक्शन में एक माइनस डालने पर उसके रिजल्ट में माइनस का इम्पैक्ट ना पड़े, तो इवन है अदरवाइज ओड है। ठीक, क्वेश्चन यस सर नंबर 37, ये खुद हो सकता है, एक्स की 3 है, दो तरीके हैं, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस, कॉस को डी पुट करो, डेल डी पड़ा हुआ है, हाँ यस सर या तो फॉर्मूला खोल लो, यस सर कर रखे क्वेश्चन ना, ये यस सर क्वेश्चन हो यस सर जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर 10 की क्यूब है तो क्या लिखोगे, इसे लिख लो 10 स्क्वायर x इंटू 10, और 10 स्क्वायर x को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर माइनस 1, आगे यस समझदार हो कर लोगे। 37 भी इजी है, 39 सॉरी, 40 सिलेबस में नहीं है। अरे हाँ या ना। क्वेश्चन यस सर नंबर 41, e की x है, इसे मैं e की ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये क्या होगा, e की x प्लस 1 अपॉन e की x, और एलसीएम लूंगा तो e की x का होल स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, e x को t पुट के ऊपर dt पड़ा है, यस सर ये फॉर्मूला किसका हो गया, टेन इनवर्स का नहीं हो गया? पहला यस सर आंसर, कॉस 2x को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, यस सर एक बार प्लस और एक बार माइनस, पावर एक कम हो जाएगी। यस सर नीचे वाले को डी पुट के ऊपर डी पड़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन करा हुआ है आप लोगों ने, सेम क्वेश्चन करा हुआ है दूसरी एक्सरसाइज में। बढ़ू आगे अभिनव, 43 यस सर ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक 44, ये पेपर में कई बार आ चुका भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के तौर से देखा जाए तो। मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, तो यहां से हमने क्या किया, टेन इनवर्स ओके है,
मैं इसे एक्स प्लस एक्स माइनस वन लिख लूं, 1 प्लस एक्स कॉमन, 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता यस सर। हूं। और भी अगर दिक्कत ना लगे आप लोगों को, लिमिट हुई है ना, हाँ चेंज की। इसको मैं -1 माइनस एक्स लिखूं चलेगा? यस सर। अब आपको लग रहा है फॉर्मूला है लॉग सर ये टू टेन एक्स इनवर्स, माइनस वन से कैसे, हाँ सर करके ये देखो, टू एक्स माइनस वन से एक्स प्लस एक्स माइनस वन कैसे बनता करके देखो, एक्स माइनस वन प्लस एक्स, 2x-1 ही होता है। है। अच्छा यस सर। ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स का, माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। यस आगे यस सर। समझदार हो, लिमिट चेंज लग रही है, क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप। यस ये हो गए जी आपके क्वेश्चंस। अब मैंने मैंने जो क्वेश्चन करवाने हैं वो 36, एक बार कलर चेंज करके मार्क करता हूँ। किससे करें कलर? पिंक, पिंक करते हैं। मुझे कौन से क्वेश्चंस आपको कराने हैं? ये है पिंक वाला, एक क्वेश्चन ये कराना है, एक ये कराना है। ये अपने आप ट्राई करके आना, दिक्कत आएगी तो मैं कराऊंगा। और मुझे 18 कराना है और 19 कराना है। डाउट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये एग्जाम्पल कर लेना, छोड़ना मत, पेपर में आया हुआ है। बस ये मेरा होमवर्क, मतलब ये मेरा काम है, पर मेरा काम मैं आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा। कल इसलिए क्योंकि आपकी ड्यूटी कल तक है, ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं होमवर्क में ये सारे निपटा के अपने डाउट पूछ लोगे, खुद ट्राई करोगे, डाउट पूछोगे, और कल मैं कोशिश करूंगा कि इसको टाटा बाय बाय कर दूं, ठीक है? और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पीयूष जी क्लास ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको मैं रहने देता हूँ। क्या बोलते हो, करवा दिया जाए या रहने दिया जाए? सर रहने दो। रहने दे, अभिनव कुछ कहना चाह रहा है, यस सर रहने दो। रहने दे, पर सारे क्वेश्चन करके भेज देना पीडीएफ, ये पहले बता रहा हूं, ठीक है? यस आज के लिए ये रहने देते हैं, कल करते हैं इसके आगे का डिस्कस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मौज करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, दब के पढ़ाई करो, ठीक है?